मुंबई दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार जारी है। कल जहां राहुल ने आडवाणी और वाजपेयी के सहारे मोदी सरकार को घेरा था, तो आज वहीं जीएसटी और नोटबंदी को लेकर राहुल ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी ने छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीन ली है, लेकिन ये सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। मैं इस दौरान राहुल ने महागठबंधन को लेकर भी बड़ा बयान दिया। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। वो हर मन से सरकार की नीतियों की सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं और अपनी यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई में मीडिया से मुखातिब हुए और सरकार की नोटबंदी और जीएसटी की पोल खोली। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, जो आज उद्योगपतियों की जेबें भरने में तुली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले नोटबंदी लाकर व्यापारियों की कमर तोड़ दी, फिर बाद में गब्बर सिंह टैक्स लगाकर छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी छीन ली। हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की मांग करते हैं, लेकिन पीएम मोदी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासनकाल में कच्चे तेल का दाम प्रति बैरल $130 था, जो अब गिरकर प्रति बैरल $70 आ गया है, लेकिन फिर भी इस सरकार ने जनता को इसका कोई लाभ नहीं दिया। ये सरकार तो गरीबों की जेबों से पैसा निकालकर अमीरों की जेबें भर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मोदी सरकार के खिलाफ अब चारों तरफ से आवाजें उठ रही हैं और अब इन आवाजों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए अब महागठबंधन आ रहा है। भाजपा विरोधी राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि जनता भी यही चाहती है कि महागठबंधन बने, जो इस सरकार से जनता को बचा सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।